नमस्ते सदावस्य ले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज का डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना होते होते टली है। पुणे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त सुखोई विमान का टायर फट गया, लेकिन एयरपोर्ट कर्मचारियों की तत्परता की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। विमान के लैंडिंग करते ही जैसे ही टायर फटा एयरपोर्ट का रनवे जाम हो गया, लेकिन तुरंत भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स ने रनवे को खाली करवा दिया। रनवे की जगह को पूरी तरह खाली करवाने के बाद हवाई यातायात आसानी से शुरू हो गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, और ऐसे में भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों और अधिकारियों की दाद दी जा रही है कि उन्होंने किस तरीके से अपने अदम्य साहस से एक बड़े हादसे को टाल दिया। बता दें कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कोई दूसरा विमान लैंड कर जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती, लेकिन समय पर रनवे को खाली करवा कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया गया है। हालांकि इस बात की जाँच की जा रही है कि उड़ान के वक्त टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की गई थी या नहीं। अगर की गई थी तो ये टायर अचानक कैसे फट गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दोस्तों एक बार फिर से एक बड़ा फैसला ले लिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज के उत्पादन की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिनकी कीमत 3,887 यानी कि 3,887 करोड़ रुपए है। साथ ही ये भी कहा है कि बुनियादी ढांचे के लिए 377 यानी कि 377 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसमें लगभग 45% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जो SP संस्करण के लिए बढ़कर 55% से अधिक हो जाएगा। पिछले साल ही आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा था। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर कई मायनों में खास बताया जा रहा है। इसे दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर नाम दिया गया है। HAL ने 13 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में 20 mm गन, 70 mm के रॉकेट्स हैं। मिशन के दौरान इस हेलीकॉप्टर को 180 डिग्री पर खड़ा किया जा सकता है। इसे हवा में 360 डिग्री पर भी घुमाया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम और नाइट ऑपरेशन में सक्षम है। इसका वजन 6 टन का है। दोस्तों एक बार फिर से भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली में एक और कामयाबी हासिल की है। दोस्तों DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि आज बुधवार को ओडिशा में बालासोर के तट पर मध्यम दूरी की सतह से हवाएं मार करने वाली 2 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। DRDO ने कहा कि मध्यम दूरी की सतह से हवाएं मार करने वाली 2 और मिसाइलों का ये परीक्षण हुआ था, और ये परीक्षण सफल भी रहे। बता दें कि ये परीक्षण भी MRSAM का बताया जा रहा है, और इसकी पहली मिसाइल ने मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाया, जबकि दूसरी मिसाइल ने कम ऊंचाई पर और कम दूरी के लक्ष्य को नष्ट किया। MRSAM को DRDO और इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया है। MRSAM सेना की हथियार प्रणाली है, जिसमें कई कार्य करने में सक्षम रडार, मोबाइल लॉन्चर प्रणाली और अन्य वाहन होते हैं। इस मिसाइल का परीक्षण हथियार को ले जाने की क्षमता के साथ किया गया है, और हथियार प्रणाली के प्रदर्शन को फ्लाइट डेटा ने वेरीफाई किया है। और ये परीक्षण दोस्तों DRDO और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि MRSAM को भारतीय सेना में इंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की सप्लाई के लिए 1993 करोड़ रुपए की डील की है। बता दें कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से हमारे फाइटर जेट्स की बेहतर सर्वाइबिलिटी हो जाएगी दुश्मन के ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस से। यही नहीं, इसके अलावा अवाक्स और रडार सिस्टम के खिलाफ भी हमारे वायुसेना के विमानों की सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1109 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किए हैं, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज को बनाया जाएगा, जो कि भारतीय वायुसेना की भविष्य की लड़ाई में दक्षता को बढ़ाएगी। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेंज का इस्तेमाल एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर इक्विपमेंट्स के टेस्ट और इवेल्युएशन के लिए किया जाएगा। दोस्तों पिनाका रॉकेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 24 एनहांस पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिन्हें की संयुक्त रूप से यंत्रा इंडिया लिमिटेड और मिनिशन इंडिया लिमिटेड ने तैयार किया है, उन्होंने सफलतापूर्वक इसका फायरिंग ट्रायल किया है, जो कि 100% सफल भी रहा। कहा यह जा रहा है कि अब भारतीय सेना इसके यूजर ट्रायल्स जल्द करेगी, जिसके बाद इसके ऑर्डर के लिए बिड जारी की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि एनहांस पिनाका रॉकेट की रेंज अब 45 किलोमीटर हो गई है, जो कि पहले 39 किलोमीटर थी, और वो पिनाका Mk1 वर्जन है। और अब ऐसे ही ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे 75 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका गाइडेड रॉकेट वर्जन के। दोस्तों हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम ने भारतीय नौसेना के लिए डेप्थ चार्जेस का कंसाइनमेंट सप्लाई किया है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम ने 500 किलोग्राम वाले जनरल पर्पस बॉम्ब को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया है। बता दें कि 500 किलोग्राम के जनरल पर्पस बॉम्ब को मुख्यतः फाइटर जेट के बॉडी और टेल यूनिट में लगाया जाता है, और ये पूरे एयरपोर्ट को खत्म कर सकता है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी ध्रुव Mk3 हेलीकॉप्टर को शामिल किया है अपने साउथर्न नेवल कमांड में, जो कि कोची में है। बता दें कि ये हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्वीट और एडवांस सेंसर्स के अलावा एवोनिक्स पैकेज सेंसर के साथ है, और ये भारतीय नौसेना के साउथर्न नेवल कमांड में
एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगले 5 से 7 सालों में स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हथियार खरीदे जाएंगे जो कि भारत के पॉजिटिव स्वदेशी लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें स्वदेशी तौर पर बनाया जाना है। बता दें कि इनकी कुल जो वर्थ है वो होगी 5,00,000 करोड़ रुपए की। डिफेंस सोर्सेस ने कहा है कि अभी भारत के पास एक अच्छी मात्रा में स्टॉक और स्पेयर पार्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ये काफी कम समय के लिए हैं, जिसके तहत भारत अपने MI-17 हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस तो कर पाएगा लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि लंबे समय में इन्हें दिक्कतें आ सकती है जिस तरीके से अब रशिया पर सेंशंस लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये दिक्कतें तो आएंगी, ऐसे में इस दिक्कत को दूर करने के लिए HAL ने भी अब तेजी से अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रीलिमिनरी डिजाइन वर्क को पूरा कर लिया है और स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल को तैयार किए जाने पर काम चल रहा है। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि भारत का रुस्तम 2 मध्यम ऊंचाई यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज अनमैन एरियल व्हीकल ये 28,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अब हम इंड्यूरेंस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और 18 घंटे से अधिक की उड़ान का समय ये हासिल भी कर लेगा। रुस्तम 2 जिसकी कुल लंबाई 9.5 मीटर है और इसके पंखों की लंबाई है 20.6 मीटर और ये 2 सैटर्न 36T टर्बोप्रॉप इंजन के द्वारा संचालित है। दोस्तों इसरो 2022 में 3 प्रमुख मिशनों की तैयारी कर रहा है और कहा जा रहा है कि अब इन तीनों मिशनों को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA का सपोर्ट भी मिलेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने कहा है कि इसरो अब उनके द्वारा बनाए गए ग्लोबल डीप स्पेस कम्युनिकेशन एंटीना का इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे कि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक कर पाएगा, वो भी पिन पॉइंट लोकेशन के साथ। साथ ही जो जरूरी डेटा है क्रूशियल स्टेज ट्रांसमिटिंग कमांड का, ये सारी चीजें इसरो को मुहैया कराई जाएंगी। दोस्तों बता दें कि 35 मीटर का डीप स्पेस ESTRAC एंटीना ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंटीना के बीच रैगिंग करता है और इस दौरान वो इसरो को हर पग-पग की जानकारी मुहैया कराएगा। इसके अलावा दोस्तों इसरो के जो अन्य प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, उनमें है गगनयान, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सोलर मिशन। इसमें भी ESA अपनी भागीदारी दिखाएगा और कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 को इसी साल अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अधिकारी ने बताया कि यूरोपीय एजेंसी के द्वारा डीप स्पेस कम्युनिकेशन किसी भी स्पेस मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ग्राउंड स्टेशन अंतरिक्षयान को पृथ्वी से सुरक्षित रूप से जुड़े रखते हैं और ग्राउंड स्टेशन के सपोर्ट के बिना ये जानना असंभव हो जाता है कि हमारा मिशन सुरक्षित है या नहीं। आज के टॉप कमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।